मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे। इससे पता चलता है कि लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी थी। वो अपने संबंधों को संवेदना से सिंचित करती थी, निरंतर मजबूती देती थी। आज हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। लता जी जैसी आत्माएं मानवता को सदियों में कभी कभार वरदान की तरह मिलती है। भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई, भारत के संगीत को जो स्वर दिया, उससे दुनिया को भारत को देखने का एक नया नजरिया मिला। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले आपको जरूर मिलेंगे और हर पीढ़ी में मिलेंगे। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज मथुरा, बुलंदशहर और आगरा के आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की तैयारी कर ली थी। आप मेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूं। ये भी लोकतंत्र का एक ऐसा दायित्व है जिनकी अपेक्षा हमेशा लता दीदी ने मुझसे की थी। साथियों, ब्रज भूमि का कण कण श्री कृष्ण और राधा रानी मय है। मथुरा, आगरा, बुलंदशहर के क्रांतिकारियों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं ब्रज की इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश भारत का दिल है, यूपी भारत की धड़कन है। यूपी ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है और आज एक बार फिर यूपी देश को नया रास्ता दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैसे तो एक चुनावी कार्यक्रम में उनको जाना था, लेकिन वो उन्होंने उससे पहले अपनी बात कहने से पहले लता जी को याद करते हुए अपनी तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त की, उनके प्रति अपना आत्मीय संबंध उनके साथ कैसा रहा है उसके बारे में बताया और उनका जाना कैसा खालीपन पीछे छोड़ जाएगा इसका भी जिक्र उन्होंने किया। एक बार फिर आपको सुनाते हैं लता जी को प्रधानमंत्री मोदी ने आज कैसे याद किया। के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है।
परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था, मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था, वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे। इससे पता चलता है कि लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी थी। वो अपने संबंधों को संवेदना से सिंचित करती थी, निरंतर मजबूती देती थी। आज हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। लता जी जैसी आत्माएं मानवता को सदियों में कभी कभार वरदान की तरह मिलती है। भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई, भारत के संगीत को जो स्वर दिया, उससे दुनिया को भारत को देखने का एक नया नजरिया मिला। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले आपको जरूर मिलेंगे और हर पीढ़ी में मिलेंगे। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज मथुरा, बुलंदशहर और आगरा के आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की तैयारी कर ली थी। आप मेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूं। ये भी लोकतंत्र का एक ऐसा दायित्व है जिनकी अपेक्षा हमेशा लता दीदी ने मुझसे की थी। साथियों, व्रज भूमि का कण कण श्री कृष्ण और राधा रानी मय है। मथुरा, आगरा, बुलंदशहर के क्रांतिकारियों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।